नेहा जी, यार इंटरव्यू लेने आई थी, कुछ बोलोगी? मैंने दो चाय बोली। उसके बाद बोलोगी? दो चाय भिजवा दो यार। I remember मैंने सबसे पहले दारू मेरे मॉम एंड डैड और उनके दोस्तों के साथ बैठ के चखी थी, बिकॉज ही सेड कहीं बाहर जाके पियोगी और कुछ और होगा, इससे बेटर है यहीं बैठो और ये लो विस्की पियो, वो भी दी विस्की जो बिल्कुल गंदी थी, चाहे ये नहीं पीना मुझे लाइफ में। बट ही इज देव जस्ट बिन लाइक दैट, मतलब मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, मैं क्या करूं अभी। आई एम लविंग लाल्स एक्सप्रेशन। कहां हुई है ये? छोटी बच्ची को बिठा के दारू पिला के भाई। मुझे अब ये जानना है कि आपने बोला आपके आपके पेरेंट्स से अब जाके इस टॉपिक पे बात की, आपकी तो चलिए हम बातें नहीं करते। आप मेरे घर वालों ने भी ये बोला था, आपसे तो हम चलिए बात ही नहीं करेंगे। धीरे 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 जब आप फाउंडेशन सही करते जाते हैं तो आगे जाके कॉन्वर्जेशन ऑलरेडी ईजी हो जाएगी। कई बार आई थिंक हमारी फैमिलीज में मैंने ऑब्जर्व किया है कम्युनिकेशन गैप बिटवीन जनरेशन इतना है, पापा के साथ बच्चे बात ही नहीं करते है ना, तो और फिर जब एकदम से सोचो आपने अपने पिताजी से कभी सड़े से मतलब आपने ये तक नहीं बोला पापा मेरे जूते फट गए मुझे जूते दिलवा दो, वो भी रिश्ता नहीं होता कई बच्चों का। उसके बाद सीधे एक दिन आप 16 साल के हो गए, पापा आके बोल रहे हैं चलो तुम्हें सेक्स के बारे में बताएंगे, आप ज्यादा स्कार उस चीज से हो जाओगे। उस टाइम जो फटेगा सोच लो आप। Hi, Sasrikaal, Nalle Copy to all, and welcome to E Times, wherein we bring you up close and personal with your loved celebrity. The cast of Janhit Mein Jaari is with us. मेरे को आप लोगों से ये नहीं जाना आपस में काम करके कैसा लगा, मुझे पता है आपको अच्छा लगे। नहीं मैं तो नहीं लगा। आपको नहीं लगा? हाँ भाई तो ना दिन का चैन और रातों की नींद सब हराम था। क्या बताओ कैसे कैसे नुशरत परेशान कर रहे ना दोनों को। नहीं नहीं खाना मसालेदार था तो एसिडिटी हो गई थी इसलिए। एक्चुअली इन दोनों ने तो सारी परेशानियों से मन हल्का किया है विद देयर जोक्स। ये नहीं होते तो कुछ नहीं होता। सच बात है ये। दिस इज ब्यूटीफुल एंड आई एम श्योर कि ये जो केमिस्ट्री जो मसाला मस्ती यहाँ दिख रही है वो ऑन स्क्रीन भी हमें दिखेगी। पर ये जो टॉपिक है वन ऑफ कोर्स ब्रिलियंट ब्रेव टॉपिक दैट यू कम अप विद, लेकिन जब अपने बचपन में आप तीनों से आपके पेरेंट्स ने इफ यू हैड दिस बीज एंड बर्ड्स टॉक जैसे बोलते हैं तो मम्मी पापा मेरे वालों ने तो नहीं देखा। आई जेन्युइनली टेल यू माय मॉम हाउ शी टोल्ड मी अबाउट पीरियड्स गंदा खून। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड एट माय प्लेस। बिल्कुल एज की चैट हुई। हां क्योंकि हम डायरेक्टली सारी बात करेंगे, खुल के करेंगे, नो टैबू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नो टैबू एट ऑल। यस। सो बताइए आप लोगों की जब बात हुई अपने पेरेंट्स से, हुई या नहीं हुई? मेरी फैमिली में तो कभी नहीं हुई, और दूसरा जब मेरे को पता चला तो मेरी हिम्मत भी नहीं पूछने की, पता चला मैं पूछूं बोलते नहीं बेटा तू अडॉप्टेड है। कॉन्डम वंडम तो बात पहुंचे नहीं हूँ तो मैं उसके लिए रेडी नहीं। झगड़े में हुआ, गुस्से में हुआ तू? अच्छा ये नहीं ले, रुको मैं लेके आता हूँ बाहर, अडॉप्ट करके मेरे को ले। तो इसलिए मेरे घर पे तो कॉन्वर्सेशन कभी नहीं। तो अडॉप्ट करके मंदिर की, मुझे जानना ही नहीं है कचरे का डब्बा था मंदिर की सीढ़ी थी या किसी पड़ोसी छोड़ गया था घर खाली करते वक्त, मुझे जानना ही नहीं है। आपके घर पे कब हुई ये बात, कैसे हुई? यार मेरे घर पे बहुत नॉर्मली खुल के हुई थी, पता नहीं, आई डोंट नो, उसका पूरा क्रेडिट मॉम डैड को जाता है, दादी को जाता है। मेरी पूरी फैमिली हमेशा से बहुत ज्यादा ओपन रही है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव रही है, बहुत ज्यादा सपोर्टिंग रही है। नॉट जस्ट कॉन्डम और प्रोटेक्शन की बात, इवन आई रिमेम्बर मैंने सबसे पहले दारू मेरे मॉम एंड डैड और उनके दोस्तों के साथ बैठ के चखी थी, बिकॉज ही सेड कहीं बाहर जाके पियोगी और कुछ और होगा, इससे बेटर है यहीं बैठो और ये लो विस्की पियो, वो भी दी विस्की जो बिल्कुल गंदी थी, चाहे ये नहीं पीना मुझे लाइफ में। बट ही देव जस्ट बिन लाइक दैट, मतलब मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, मैं क्या करूं अभी। आई एम लविंग लाल्स एक्सप्रेशन। कहां हुई है ये? छोटी बच्ची को बिठा के दारू पिला के भाई। सोचो ये कहां हुई है? मुझे चाय बुरी चीज है, बुरी चीज बोल बोल के मैं आज तक चाय नहीं पीता हूँ खौफ में कि बुरी चीज है भाई। अमृत है अमृत, चखने नहीं। और जहां तक कॉन्डम की बात है वो तो रिसेंटली जब ट्रेलर आया था और ट्रेलर आने के एक दिन पहले कि मैंने उनको भेजा था ट्रेलर की, ट्रेलर हम लोग कर रहे हैं, तो ट्रेलर जब आया उस दिन मैंने ही उनसे खुल के बात की। अच्छा। बिल्कुल मेरी मॉम से मेरे डैड से खुल के बात की, मतलब उससे पहले कभी इस तरीके का माहौल था नहीं। करेक्ट।
और जब शूटिंग चल रही थी तो पूछते थे कौन क्या है फिल्म में, मैंने ऑपरेशन कंट्रोल एक्ट पे है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑपरेशन कंट्रोल होती कौन से। फिर मैंने बोला कि इसमें देखिए आपको क्या होता है ना, फिर मैंने थोड़ा सा मूड बनाया, थोड़ा मौसम बनाया थोड़ा सा कि आजकल बाप मारना ऑपरेशन के रेट क्या बढ़ गया, वैसे तो सीरियस हो गया, अरे ऐसा होता है कि हाँ तो प्रिकॉशन यूज करना चाहिए ऐसा वैसा ये वो। फिर धीरे 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 कॉन्डम तो बात ले गए, फिर वो समझ गए कि हाँ ये माहौल बनाया गया था पूरा, और वो समझ गया। उसके बाद उन्होंने भी बड़े खुल के बोला हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने पूरी सोसाइटी में शेयर कर दिया मेरी मॉम ने, तो ये देखो ये नई फिल्म आ रही है ये देखना। ऑर्थोडॉक्स है या कंजर्वेटिव है, आगे जाके पता चलता है कि वो हमारे ही माँ बाप है। नहीं आजकल के बच्चों को भी करेक्ट बालकनी में कॉन्डम पड़ा है तो बच्चे को तो बाप बालकनी क्या होती है। कॉन्डम पता से क्या है आजकल के कॉन्डम पड़ा बच्चे देख रहे हैं, तुम्हें नहीं पता बेटा ना, हमको नहीं पता बाप बालकनी क्या होती है। तो आजकल के बच्चे बड़े प्रोग्रेसिव हो गए, मॉडर्न है, उनको सब पता है, उनके मोबाइल है, हर चीज उनको मालूम है, तो छुपाने से कोई मतलब नहीं बना। तो इसलिए हमने तो बहुत देर में जाके ये बात अपनी फैमिली वालों से की है, जो शायद बच्चों को जब 16-17 साल के होते हैं 15-16 साल के तब उन्हें ये बता देना चाहिए। And the way you said कि आजकल बच्चों को सब पता है everything। आप लोग जब भी मूवी बना रहे होंगे हम 110% sure, क्योंकि मैं भी रिसर्च कर रही थी, कुछ काफी सारे ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपको शायद मूवी बनाते टाइम या आपको लिखते टाइम पता चले होंगे अबाउट बर्थ कंट्रोल, अबाउट कॉन्डम और अबाउट सेक्स एजुकेशन इन लाइक जेनरल। तो ऐसा कुछ जो कोई फैक्ट्स कोई नंबर्स जो जान के आप ऐसे हो गए थे कि जेन्युइनली आज भी ऐसा होता है, जितने इलीगल अबॉर्शन होते हैं, मेरा इलीगल अबॉर्शन जान के 1.5 करोड़ इलीगल अबॉर्शन होते हैं हमारे, 10-12 लाख 15 लाख लड़कियां की डेथ होती है हर साल इलीगल अबॉर्शन की वजह से। एंड इसमें इसको हम लोग नंबर वन पोजीशन बोले या वर्स्ट कंडीशन बोले क्या बोले, और वो जब डेटा हम लोग को समझ में आया, वो ये सरकारी डेटा है, शायद से ज्यादा भी हो सकता है, तो वो यू नो वी वर शॉक्ड कि यार इतना वुमेन आर ऑपरेटिंग ये सब हो रहा है क्वैक्स। एक और स्टैटिस्टिक्स है, मुझे नाम नंबर नहीं याद कितना, बट देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कंडोम सेल्स जो होती है, उतने कंडोम बिक रहे हैं बट इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो बिक किस चीज के लिए रहे और जा कहां रहे हैं किसी को पता नहीं है, बट उतनी सेल्स है उनकी, बट आई डोंट नो व्हाट दिस थिंग इज, होने के बावजूद व्हाई इज अ पॉपुलेशन ऑफ दैट हाई लेवल। सारे केसेस में देखा है लोग खरीद लेते हैं लेकिन यूज नहीं करते, क्योंकि शायद उनको पता नहीं क्या इश्यू है, हो सकता है किसी किसी का मतलब मूड होता है लेकिन लेकिन वो मूड ऐसा ना हो इस वजह के लिए ये कॉन्डम बने हैं, और ताकि आगे ज्यादा मूड ना खराब हो जाए, आगे खबर से मूड ना खराब हो जाए ज्यादा। तो वो चीज है, सब कुछ पता होते भी आज भी लोग यूज नहीं कर रहे हैं, टिल डेट बात नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज ग्रेट थ्रू दिस मूवी प्लीज दे विल टॉक अबाउट इट, दे विल सी द मूवी, फैमिली एंटरटेनर है व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन आवर सोसाइटी। वी कैन आस्क फॉर अ सिगरेट, राइट, योर सिगरेट, ओह यस आई हैव, बोल के आप दे देते हो, चलाते हो, एंजॉय करते हो, लाइटर ब्रो, यू नो लाइटर ब्रो, तो ये वो चीज जिसको पता ही जानलेवा है, उसके बाद भी आप रख के कैरी करके घूम रहे हो, एक जो चीज आपकी जान बचा सकती है जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है उसके से को लेने नहीं आपको, तो कौन सी सोसाइटी कौन से पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो इवन इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें गरीबों का या अनपढ़ लोगों का या छोटे शहरों की बात है, ये सोच की बात है जो बड़े शहरों में भी हमने देखे अबॉर्शन रेट बड़े शहरों में बहुत ज्यादा है। यस दैट्स व्हाई आई थिंक द टैगलाइन सेज कि शर्म से शर्म मत करो, राइट, यस you have to be somewhere realize that you are responsible not just for yourself but also for the other person, aur aurton ko bhi realize karna hai ki shayad itna mardon ko nahi jhelna padega jitna wo guzarti hain, aap kehne ke liye keh sakte hain barabari ki hissedari hai jo bhi hai, par aapki body changes se through guzarti hai, aap bhale ek oral contraceptive le le agle din par fir bhi aapki body mein hormonal changes hote hain uske karan, abortion ke karan aapki body mein kai baar irreplaceable चेंजेस होते हैं, डैमेजेस, परमानेंट डैमेजेस होते हैं, आपकी जान जाने का खतरा है, आप 20 रुपए का कॉन्डम नहीं खरीद रहे आप लाखों रुपए अबॉर्शन में खर्च कर देते हैं, स्टिग्मा इतना है कि आप कई बार एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने के बजाय गलत लोगों के पास जाके अपना इलीगल अबॉर्शन करा रहे हैं। सोच कैसी हो गई है,
आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे लेकिन पुलिस वाले को 500 दे दोगे। हाँ ये सिचुएशन सेम है कि आज मैं देखूंगा चालान हो जाएगा तो मैं दे दूंगा लेकिन आप सीट बेल्ट लगा के नहीं घूम रहे हो, तो वो सोच का फर्क है, वो उसका फर्क नहीं है किसी के पास पैसे ज्यादा है नहीं है, वो तो ये सोसाइटी का जो सोच है ना उसको कहीं हद तक ये इस फिल्म ने बताया कि नहीं डोंट डू इट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज जेन्युइन इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड अभी ऑब्वियसली ये सारी चीजें सुन के ना ऐसे मेरे को भी ऐसा हो गया कि काश मैं भी कर लेती नहीं मैं तो खैर बट मुझे ये जानना है कि आपने बोला आपके आपके पेरेंट्स से अब जाके इस टॉपिक पे बात हुई, आपकी तो चलिए हम बातें नहीं करेंगे, मेरे घर वालों ने भी ये बोला था आपसे हम चलिए बात ही नहीं करेंगे। You luckily are from a family जो काफी open है इन सब चीजों को लेके, so जब आप लोगों का time आएगा to tell your kids about things like these, how are you going to go about it? You're going to open a book, जैसे मैंने काफी सारे web shows में देखा है, they open a book, they're like कि बेटा ऐसे ऐसे होता है, they have to ask for explanation. What is the first thing that you'll tell your kids? See, हर एज की ना एक sensitivity होती है, हर एज के बच्चे की एक सोच होती है, सीधे 100% इन्फॉर्मेशन देके किसी भी बच्चे का ना बचपन नहीं खराब करना चाहिए। आप उसे समझाइए व्हाट इज अ गुड टच, व्हाट इज अ बैड टच, आप उसे समझाइए कि अगर वो किसी को किसी रिश्तेदार को या अपने माँ या बाप को गले नहीं लगाना चाह रहा, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसे नहीं करना है वो चीज़। धीरे 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 जब आप फाउंडेशन सही करते जाते हैं तो आगे जाके कॉन्वर्जेशन ऑलरेडी ईजी हो जाएगी। कई बार आई थिंक हमारी फैमिलीज में मैंने ऑब्जर्व किया है कम्युनिकेशन गैप बिटवीन जनरेशन इतना है, पापा के साथ बच्चे बात ही नहीं करते है ना, तो और फिर जब एकदम से सोचो आपने अपने पिताजी से कभी सड़े से मतलब आपने ये तक नहीं बोला पापा मेरे जूते फट गए मुझे जूते दिलवा लाओ, वो भी रिश्ता नहीं होता कई बच्चों का। उसके बाद सीधे एक दिन आप 16 साल के हो गए पापा आगे बोल रहे हैं चलो तुम्हें सेक्स के बारे में बताएंगे, आप ज्यादा स्कार उस चीज से हो जाओगे, उस टाइम जो फटेगा सोच लो आप। तो द आइडिया इज टू फाइनली मूव और क्रिएट अ सोसाइटी, क्रिएट एन एनवायरमेंट जहाँ पे कंफर्ट है, क्योंकि घर से ज्यादा आपके परिवार से ज्यादा आपको सहेज के आपके बारे में अच्छा कोई नहीं सोच सकता। सो मैं यही कोशिश करूंगा कि एज के हिसाब से धीरे धीरे वो गैप ना बढ़ता रहे और कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रहे। We've moved to a generation जहाँ बच्चे खुद इतने उत्सुक होते हैं, उनको इतने questions होते हैं, कहीं कहीं से information देख देख के वो you know they take it in and I think kids are they absorb the most, they are like sponges, वो कुछ भी देखते हैं आपको लग रहा है नहीं देखा बट देख लिया उसने, उसके दिमाग में अटक गया। I think the best way to go about is to tell them कि आपके दिल में जो भी सवाल है वो आप खुल के पूछो, वो कैसे भी stupid सवाल हो, कितना भी आपको ऐसे लगे कि नहीं ये कैसी, कोई भी सवाल हो, मतलब बच्चे ये पूछ सकते हैं फूल ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं, मतलब इट कुड बी एज सिंपल एज दैट, बट अगर आप बचपन से अगर उनके सवालों का आप प्यार से उनको जवाब देते जाओ और सेंसिबल जवाब, ऐसा नहीं कि अरे ये ऐसे नहीं होता क्या तू भगवान जी दे दे, हाँ नहीं उनको उनको कट मत कर दो, डोंट किल दैट इंक्विजिटिवनेस ऑफ देयर्स, बिकॉज फिर वो ना सवाल आप ही से पूछेंगे किसी और से नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको जवाब सही आप ही से मिले। And for me, that will be the biggest win if whenever I have kids, is that my child comes to me for anything that he or she wants to ask, or if there's anything that is bothering them or they're in trouble, at least I'll be the first person to shield them off or teach them maybe that. And हमारे यहाँ तो ये होता था, बेटा सच बोल दो डांट नहीं पड़ेगी, फिर डांट नहीं पड़ती, झूठ होता था, डांट नहीं पड़ती थी, मार पड़ती थी, दुनिया डांटा नहीं देने, बड़े झूठ है दो, एक तो ये कि बेटा तुम बोल दो तुम्हें माननी पड़ेगी, दूसरा एक वो लिखा होता है ना कार्ड पे बारात सक्सेना निवास से 7:30 बजे निकल जाए, कभी 7:30 बजे नहीं निकली बारात, ये दो चीजें आज तक मेरे साथ नहीं हुई कभी। वो बच्चे भी तोते लेने निकले जो बोलते थे हमारे ताता ताती थी ताजी में गलू लाना, सही बोलते दिखते आज जनरेशन यू नो अपडेटेड है हर चीज को लेके, कि उनको मेरे ख्याल में जब बच्चे अच्छे होंगे ठीक है anyway we are expecting a baby congratulations तो अभी क्या है कि उनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है बिकॉज सोसाइटी के हम उस पर रह रहे हैं कि जहाँ उनको धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें पहले समझाएं, बिकॉज कहते हैं ना कि घर हमारा पहला स्कूल होता है, तो वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और उनको उतना बता दिया जाए कि लोग गुमराह ना कर दें बाहर, यू नो वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
अच्छा मेरे को सच सच एक बात बताओ, आपका मन कर रहा है मेरे से बात खत्म करने का? नहीं नहीं कर रहा ना, जेन्युइनली देखो सच, पेस्ट्री नहीं कर रहा ना? नहीं कर रहा। पेस्ट्री मत बोल तू, इनको कन्विंस कर दे बस, इसके बाद उसको छोड़ दो, उसको सोने दो। पांच ऐसा। अब मुझे ये जरूर जानना है आज के टाइम पे, वन फर्स्ट ऑफ ऑल कूडोस टू यू बिकॉज हीरोज की डेफिनेशन चेंज हो गई है, हीरोज का परसेप्शन चेंज हो गया है, सो यू कमिंग अप एज अ डेब्यू मूवी यू डूइंग दिस कैरेक्टर इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज नॉट जस्ट आपका विक्ट्री, दिस इज आपका विक्ट्री एज वेल, क्योंकि जब तक राइटर लिखेगा नहीं हीरो बनेगा नहीं। हां दिस इज ऑल देयर विक्ट्री। आई हैव टू, आई एम लिटरली द लास्ट पर्सन टू कम ऑन सेट, टू कम ऑन द टीम। या no, this is genuinely so amazing. And one thing that I want to ask from both of you today is कि ये जो lead character है वो एक लड़की play कर रही है, ठीक है, और वो character भी ऐसा है कि उनको condom sell करना है। आपको लगता है क्योंकि वो lead में है तो impact society पे different आएगा compared to अगर एक बंदा lead में था? तो ही ज़्यादा आएगा, मेरे तो दो ही ज़्यादा आएगा। आप एक वो चीज़ जो जेन जो normal देख रहे हैं लोग तो उसको follow तो कर नहीं रहे, वो अपने तरीके से follow कर रहे हैं। और शायद ये औरतों में ये है कि भाई आज तक तो ऐसा, आज हमारे यहाँ पर पहले पोस्ट मैन होते थे, पोस्ट वुमन भी होती है आज, बहुत ही पहले हमारे यहाँ बैट्समैन होते थे, अब बैटर बनने लगे हैं बिकॉज ऑफ गर्ल्स। तो ऐसा जो तो वो सोसाइटी पे इफेक्ट हुआ है इस चीज का। तो जहां पर जो चीज जो आज तक सिर्फ लड़के करते आ रहे थे वहां लड़कियां करेंगी, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है लड़कियों का, डेफिनेटली यू नो मुद्दा कंसर्न ही इनको करता है ना सबसे ज्यादा तरीके से। कौन लड़का अबॉर्शन करा रहा है, कौन सा लड़का प्रेग्नेंट हो रहा है, कौन से लड़के के को नजबंदी भी नहीं हो रही है, तो नजबंदी नहीं करा रहे तो भाग खत्म हो गए सारे। तो आप कैसे किसी और के, नहीं नहीं बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है आई थिंक कहानी और सब। ग्रैब समवनस अटेंशन और यू हैव टू से समथिंग इन अ डिफरेंट वे, दैट्स बेसिकली एवरी एडवर्टाइजिंग एवरी फिल्म मेकर्स नैरेटिव। आप भी एज जर्नलिस्ट एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन लिखेंगे तो ही आके वो टैग करेंगे और पढ़ेंगे। अब अगर एक लड़की कहीं भी मेट्रोज में भी जाके एक केमिस्ट पे कॉन्डम खरीदने की बात करते तो 50 लोग घूम के देखते हैं। तो वही लड़की अगर एक कॉन्डम बेच रही है तो ऑब्वियसली द शोर अबाउट इट एंड द अटेंशन इट ग्रैब्स इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू ग्रैब। उसके बाद हम जो बोल रहे हैं वो लार्जर लेवल पे बोल रहे हैं, पर एटलीस्ट आप सुनोगे तो सही, एटलीस्ट आप नोटिस तो लोगे। सो देयर वाज डेफिनेटली नो अदर वे ऑफ डूइंग दिस एक्सेप्ट अ गर्ल गेटिंग अप एंड सेइंग ब्यूटीफुल एंड हू बेटर देन नुशरत भरूचा। Who better than you, darling?